हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल वाइट्स ऑल वाइट्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हो? होप अच्छे हो गए। फ्रेंड्स बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है एंड बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता। फ्रेंड्स एक्चुअली रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं लगता, और अगर मैं मुझे जिस कमेंट का मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए मैं उसे वीडियो बनाकर रिप्लाई करता हूँ। जैसे कि मुझे एक कमेंट दो तीन कमेंट अभी आए हैं कि उनका कैमरा ऑटो फोकस नहीं हो रहा है, उनकी ये प्रॉब्लम है, तो आज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि उनका कैमरा ऑटो फोकस क्यों नहीं हो रहा है और कैसे करते हैं। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, जो इस चैनल पर नए हैं वो भी जाके सब्सक्राइब करो और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। सो चलिए देखते हैं अपनी पूरी वीडियो। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर कर लूँ। जैसे कि ये निकॉन D53 कैमरा है मेरा, इसको हमें ऑन करने के बाद मैनुअल पे सेट कर लेना है। मैनुअल पे सेट करने के बाद अब ये प्रॉब्लम हमारी जो है कि ये कैमरा ऑटो फोकस क्यों नहीं ले, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑन करने के बाद हमें मैनुअल पे सेट कर लेना है। मैनुअल पे सेट करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम है, हमें आई बटन क्लिक करना है। आई बटन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नॉर्मल इमेज साइज, ऑटो ब्रैकेटिंग, एसडीआर हाई डायनेमिक रेंज, एक्टिव डी लाइटनिंग, वाइट बैलेंस, फिर ISO सेंसिटिविटी, फिर सेट पिक्चर कंट्रोल, फिर AF-A फोकस मोड, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो फोकस मोड, ऑटो सर्वो, AF, हमें AF-A में इसको सेट कर देना है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी सेट है। अब ये ऑटो फोकस में अब लेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ऑटो फोकस करेगा। सो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं एक और वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।